गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अकाउंटेंसी के परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। अकाउंटिंग, जिसको आप लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एक स्पष्ट रूप से लिखने की कला। यह किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखता है, उसका समराइजिंग करता है, उसका इंटरप्रिटेंस करता है और तब जाके आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है। हम जब अकाउंट के लिए कोई नंबरिंग का काम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हम इसके रूल्स को पहचानें। तो अकाउंटिंग के रूल, जो कि डेबिट और क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा आइटम कब डेबिट होगा और कौन सा आइटम कब क्रेडिट होगा। उस सब के लिए उसके पार्ट्स को जानना कंपलसरी हो जाता है। तो अकाउंट्स को आप दो भागों में जनरली बांटते हैं। एक का नाम होता है पर्सनल और दूसरा का नाम होता है इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है लेखांकन के वह लेन देन जिसमें एक व्यक्ति शामिल हो, व्यक्ति एक हो या दो भी, कई भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता है। और इम्पर्सनल का मतलब होता है उस ट्रांजेक्शन्स में जिसमें व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो। अब व्यक्ति पर्सनल में क्या होगा, तो जो पर्सन का नेम हो, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, फॉर, ये सब आपका पर्सनल में आ जाता है। और इन पर्सनल में कोई भी आइटम, नेम ऑफ गुड्स या एक्सपेंडिचर या इनकम, यह आपका इन पर्सनल में शामिल होता है। तो पर्सनल को आप तीन भागों में बांटते हैं, जैसे आपके सामने दिया हुआ है, एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल का मतलब होता है वह पर्सनल जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, जैसे फॉर्म भी एक पर्सन होता है, लेकिन इस फॉर्म का निर्माण करने वाला भी एक व्यक्ति होता है। नेचुरल, गॉड गिफ्टेड आपका हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो एक ट्रांजेक्शन्स के बीच रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि उसको मध्यस्थ की भूमिका निभाता हो, या वह कहे कि अगर आपको किसी को उधार देना है, किसी से उधार लेना है, तो यह मध्यस्थ की भूमिका, यानी कि बकाया, एडवांस, इसके रूप में यह आपका शामिल होता है। जबकि इम्पर्सनल में आपका रियल और नॉमिनल अकाउंट आता है। रियल मतलब संपत्ति,